तिरंगे का बहिष्कार करेंगे और भगवा को स्वीकार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल, मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 2 से 15 अगस्त के बीच सोशल मीडिया पर तिरंगे को अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाने की अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से यह भी कहा कि हर घर तिरंगा को सफल बनाने के लिए आप अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और देशभक्ति की गीतों को गाएं, देशभक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाएं। मगर प्रधानमंत्री यह बात भूल गए कि देश में कुछ ऐसे नफरती लोग भी बैठे हैं जिनका काम हर बात में हिंदू और मुसलमान का एंगल तलाशना होता है, हर बात में हिंदू और मुसलमान करना होता है। अब बात तो यहाँ तक पहुँच चुकी कि देश का अपमान करना शुरू कर दिया गया, तिरंगे का अपमान करना शुरू कर दिया गया, तिरंगे का बहिष्कार करने का अपील होने लगा कि तिरंगे का बहिष्कार कीजिए, तिरंगे ने हमें बर्बाद कर दिया है, तिरंगे की जगह हम घर में भगवा फहराएंगे, हम तिरंगे का बहिष्कार करेंगे। आप भी सुनिए हिंदू हितैषी और राष्ट्र प्रेमी की बात को। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान, उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू है। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। स्वामी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं बहिष्कार करो इस अभियान का, अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाहुद्दीन को एक भी पैसा मत दो, एक भी पैसा मत दो सलाहुद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है, और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए, ये कहते हैं। ये महाशय कोई और नहीं है, नामचीन सन्यासी है, नाम है यति नरसिंहानंद। काम है नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम करना, देश को बांटना, नफरती भाषा बोलना। आपको बता दें, देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन इस तिरंगे अभियान को हर घर तिरंगा अभियान का बहिष्कार भी शुरू हो गया है। तिरंगे से नफरत इसलिए हो गई क्योंकि इसका टेंडर बंगाल के एक मुसलमान सलाउद्दीन को दे दी गई, यानी तिरंगा मैन्युफैक्चरिंग का काम बंगाली मुसलमान को दे दिया गया। यह बात यति नरसिंहानंद को हजम नहीं हो रही है कि भला एक मुसलमान को तिरंगे का टेंडर क्यों दे दिया गया, जबकि मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात चल रही है। हम चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को यह बताते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, मुसलमानों से नफरत करो, तो हमारे प्रधान सेवक ने, हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय ने आखिर उस मुसलमान को तिरंगा बनाने का टेंडर क्यों दे दिया। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं और भगवा को स्वीकार करते हैं, यानी भगवा ही हमारा राष्ट्र ध्वज होगा। यहीं दूसरी तरफ आरएसएस को लेकर भी कई तमाम सवाल खड़े होते हैं कि जिस आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पे कभी झंडा नहीं फहराया था, भला वो
इस तिरंगे को अपना रहा या नहीं, किसने अपना डीपी चेंज किया, किसने नहीं किया, ये भी सवाल उठकर सामने आए। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए विनोद कापरी ने लिखा कि ऐसे नफरती चिंटू लोगों के लिए जो नफरती खुलेआम हर घर तिरंगा को चुनौती दे रहा है, हमारे प्रधान सेवक के अभियान को चुनौती दे रहा है, कह रहा है कि तिरंगे ने ही हमें बर्बाद कर दिया है, तिरंगे का बहिष्कार करेंगे, ऐसे देशद्रोही पर कब कार्रवाई होगी। इन्होंने टैग किया था अमित शाह, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, योगी आदित्यनाथ को। रणविजय सिंह भी लिखते हैं कि ऐसे लोगों को तूल नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को स्पेस नहीं देना चाहिए, ये हमारे लिए महत्व नहीं रखते हैं। पिछले दिनों एक नफरती चिंटू कह रहा था, अब सोशल मीडिया पर हमारे वीडियो कम शेयर हो रहे हैं। उसे इस बात की बहुत चिंता थी कि लोग हमारी वीडियो को शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। उसकी इस बात को समझ में आ गया कि वीडियो शेयर करना इनके लिए खाद पानी का काम करता है, इसलिए ऐसे लोगों को महत्व मत दीजिए। खैर अब आप हम आपको बता दें कि हर घर तिरंगा हमारे प्रधान सेवक अपील कर रहे हैं लोगों से कि अपने घरों पे तिरंगा लगाइए। दूसरी तरफ यति नरसिंहानंद बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर लोग किसकी बातों को मानते हैं, यति नरसिंहानंद के या फिर हमारे प्रधान सेवक की बातों को। तो बने रहिए आप हमारे साथ, ऐसे ही खबरें, ऐसे ही चटकदार बातें और मज़ेदार बातें आप तक शेयर करते रहेंगे। और आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज़ादी का जश्न मनाइए, ऐसे लोगों से दूर ही रहिए तो अच्छा रहेगा।